Hello friends, welcome to Ever Study classes. So, today we have come up with a very different topic of commerce and management. The topic name is types of correlation. Discussing our topic, we I would like to discuss some of the courses that we are offering. We have UGC Net Commerce and Management Complete Code, Test Series Sol Pass Papers. We have RPSC, ABST, EAFM, BA, Exam Crash Course. We have UP.

कोरिलेशन हमें ये बताता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो कितने कोरिलेटेड हैं कितने एक्सटेंट तक एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं राइट सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट कोरिलेशन स्टेटमेंट वन इज को वैल्यू ऑफ कोओफिशियंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन स्टेटमेंट टू साइंस ऑफ रिग्रेशन कोऑफिशियंट एंड कोरिलेशन कोफिशियंट आर ऑलवेज सेम एंड स्टेटमेंट थर्ड इज इन कोरिलेशन प्रॉब्लम बोथ वेरिएबल्स आर फिक्स्ड राइट डाउन योर आंसर स्टूडेंट राइट आंसर इज बी फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन सो स्टूडेंट ये तो हमारी कोरिलेशन की प्रॉपर्टी है ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो कोरिलेशन वेरी करता है वो माइनस वन से प्लस वन में वेरी करता है राइट right? नाउ सेकेंड इज साइंस ऑफ रिग्रेशन कॉफिशेंट एंड को रिलेशन कॉफिशेंट आर ऑलवेज सेम ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखते हैं कि अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस होगा ठीक है अगर हम एग्जाम्पल लें अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा राइट right? तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है और लास्ट है कि वेरिएबल्स आर फिक्स्ड स्टूडेंट्स वेरिएबल तो कभी फिक्स्ड होते ही नहीं है ठीक variable है वेरिएबल वेरिएबल को को वेरिएबल्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो करते हैं सो देट्स वाई बी आंसर इज करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यू हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कोरलेन सिंपल मल्टीपल पार्शियल लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन राइट डेउन योर आंसर स्टूडेंट्स। द करेक्ट आंसर इज बी सिंपल कोरिलेशन वॉट इज सिंपल कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन इज रिलेशन वेन टू वेरिएबल्स आर स्टेड जब दो वेरिएबल की स्टडी करी जाती है उसको हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं

एक वेरिएबल के जितने भी अमाउंट ऑफ चेंज आएगा दूसरा जो वेरिएबल है उसमें भी उतना ही चेंज आना चाहिए मतलब कि दोनों का जो चेंज होना चाहिए दैट शुड बी इन कॉन्स्टेंट रेशो ओके दैट इज अ लीनियर कोरिलेशन नाउ नॉन लीनियर कोरिलेशन अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल डज नॉट बी अर अ कॉन्स्टेंट रेशो मतलब अगर एक टू से इंक्रीज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला वेरिएबल टू टू से इंक्रीज होगा वन से भी हो सकता है वन पॉइंट फाइव से भी हो सकता है मतलब रेशियो का सेम होना इज नॉट कंपल्सरी इन नॉन लीनियर कोरिलेशन थर्ड इज कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन आई थिंक यू शुड नो वॉट इज द फॉर्मुला ऑफ प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन एंड कॉल पर्सन कोफिशंट ऑफ कोरिलेशन ठीक है राइट डाउन योर आंसर आंसर इज बी प्रॉबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन ये हमारा फॉर्मूला है ये हमें बेसिक पता ही है आई थिंक हमने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सबने ये कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूलेस करे हैं दिस इज आंसर वन ओके देन सेकेंड इज पीएस मैन रैंक कोरिलेशन दैट इज दिस आर इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ब्रैकेट स्टार्ट एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन थ्री माइनस एन वन एंड कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिस इज फेमस फॉर्मुल है इसका ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बाई एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ओके सो फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं question 4 is choose a correct answer for the following assertion and reason so uh, assertion is the variable are said to be correlated when the movement of one variable is accompanied by the movement of another variable the reason is this correlation is said to be linear when the change in the amount of one variable tends to be at a constant ratio to the amount of change in another variable write your answer students so both the stud both the statements are correct बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मतलब एक एक नहीं है है है, का. A क्या कह रहा है कि को uh, वो वो होते है, correlated variable वो होते हैं, हैं. जब एक variable में movement आता है, तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी मूवमेंट आता है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट इज लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जब एक वेरिएबल के अमाउंट uh, में जितना भी चेंज आएगा उतना ही दूसरे वेरिएबल में आएगा With the constant ratio. The word constant ratio defines that this is a linear correlation. So, this is statement is also correct, this is statement is also correct, but they both are, but R is not the correct explanation of A. So, that's why B is the correct answer. Question number fifth If a marketing professor tells his class, all those who got 100 marks in research and got 20 in statistics, and all those who got 100 in statistics got 20 in research. Then find out the correlation in statistics and research test. Just let me know which type of correlation is this. See, students, this is our question. Hai, isko aise we have research, we have statistics. ओके सो ऑल दोज हु गॉट हंड्रेड इन रिसर्च ठीक है इसमें कुछ स्टूडेंट्स को रिसर्च में हंड्रेड मिले हैं और स्टेट्सटिक्स में दे गॉट ट्वेंटी मार्क्स एंड ऑल दोज हु गॉट हंड्रेड इन स्टेट्सटिक्स अगर स्टेट्सटिक्स में इनको हंड्रेड मिले हैं देन रिसर्च में इनको कितने मिले हैं ट्वेंटी मिले हैं सो द आंसर इज़ हमारा आ रहा है नेगेटिव बिल्कुल सही है नेगेटिव इसलिए होगा इधर आपका हंड्रेड से इंक्रीज हो रहा है ठीक है लेकिन इधर कम हो रहा है ठीक है इधर ये कम हो रहा है और इधर ये इंक्रीज हो रहा है मीन्स देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स सो दिस आंसर इज सो द आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन इज बी दर इज नेगेटिव कोरिलेशन सो स्टूडेंट दिस इज आवर होमवर्क क्वेश्चन व्हेन द रेशियो ऑफ वेरिएशंस इन द रिलेटेड वेरिएबल्स इज कॉन्स्टेंट इट इज कॉल्ड यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो सो मच स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन राइट टू अस यू कैन कॉल अस यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस एंड फॉर एनी अदर इंफॉमेशन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट एवर स्टाडी डॉट को डॉट इन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स